नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि Amazon Pay Later को आप कैसे करके एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि Amazon Pay Later आपको दे रहा है पूरे 60,000 का लिमिट, और जिस लिमिट से आप कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं और साथ में बिल पेमेंट कर सकते हैं, और बहुत ऐसे एप्लीकेशन है जहां पे आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। इस लिमिट को अगर आप लेते हैं तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना होता है और ना ही कोई आपको एनुअल फीस लगता है। सो फ्रेंड, पूरे 60,000 का लिमिट अगर आप लेना चाहते हैं Amazon Pay Later सर्विस से, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। इस वीडियो के अंदर में आप लोगों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं और साथ ही मैं लाइव प्रूफ अभी Amazon Pay Later सर्विस को अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड, ले चलते हैं आपको मोबाइल स्क्रीन में। तो Amazon Pay Later सर्विस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको Amazon एप्लीकेशन ओपन करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा जहाँ पे आएगा Amazon Pay। सिंपल सा आपको Amazon Pay के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप Amazon Pay के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे काफ़ी सर्विसेज ऑप्शन आप लोगों के सामने आएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, एक यहाँ पे आप जब स्क्रॉल करेंगे तो एक ऑप्शन आप लोगों के सामने होगा, बाय नाउ पे लेटर नेक्स्ट मंथ, यानी कि इस महीने आप बाय कर लीजिए और अगले महीने हमें पेमेंट कीजिए। तो सिंपल सा इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है Amazon Pay Later बाय नाउ पे नेक्स्ट मंथ फॉर EMIS, यानी कि आप जो भी प्रोडक्ट बाय करेंगे उसका पेमेंट आपको अगले महीना करना है, वो भी किस्त में करना है। इंस्टेंट क्रेडिट लिमिट फॉर 60,000 का यहाँ पे बताया गया है। ऑन फास्ट इजी क्लिक रिपेमेंट, तुरंत आप इसका रिपेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया है जो आप इस पैसे को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एक बार आप लोगों को क्लियर दिखा दूँ। पे फॉर शॉपिंग बिल एंड फेवरेट ऐप, यहाँ पे आप Amazon एप्लीकेशन पे यूज कर सकते हैं, उसके बाद किसी बिल पेमेंट वेबसाइट पे कर सकते हैं, उसके बाद ये बहुत ऐसे एप्लीकेशन है जहाँ पे इसको सपोर्ट किया जाता है, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे और एक चीज़ इन्होंने मेंशन कर रखा है, नो हिडन चार्ज, ठीक है, नो एनुअल फीस, यानी कि आपको कोई भी एक भी रुपये का चार्ज नहीं लगेगा, ना ही कोई एक्स्ट्रा चार्ज देना होता है। और यहाँ पे नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों के सामने आ जाएगा, चेक योर एलिजिबिलिटी, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो सिंपल साइज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा जहां पे आपको बताया जाएगा चेक योर क्रेडिट स्कोर। सबसे पहले आपका जो क्रेडिट स्कोर है उसको चेक किया जाएगा। तो यहां पे आपको क्या क्या डालना है, सबसे पहले देखिए ऊपर में यहां पे नाम, उसके बाद लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और यहां पे पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा डिटेल्स आपको डालना होगा। तो मैं यहां पे देख लेता हूं कंप्लीट इंफॉर्मेशन डाल के, क्या हमें यहां पे लोन मिलता है या तो फिर क्या होता है। सो फ्रेंड, मैंने यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फिल कर दिया और सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो प्लीज एंटर वैलिड पैन नंबर, तो यहाँ पे पैन नंबर कुछ गलत है, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। सो फ्रेंड, मैंने यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर दिया, यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा आपको इंतजार करना है। सो फ्रेंड, देख सकते हो आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर देंगे उसमें आपको एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो हमारे पास यहाँ पे OTP भी आ चुका है, हम यहाँ पे OTP एंटर कर देते हैं और सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं, प्लीज वेट, यहाँ पे आपका जो सिविल स्कोर है, जो क्रेडिट स्कोर है, उसको चेक किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया जाता है जो कितना का आपको लोन अप्रूवल होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा नाम आ गया है मुरारी, क्रेडिट स्कोर है 628 मेरा क्रेडिट स्कोर है। यहाँ पे बता रहा है थैंक यू फॉर इंटरेस्टिंग Amazon Pay Later, करेंटली आर नॉट एलिजिबल, यू आर वर्किंग फॉर टू वर्ड ऑफरिंग प्रोडक्ट मोर कस्टमर, ठीक है। यहाँ पे हमें बताया गया कि आपका जो सिविल है वो थोड़ा कम है, इसके लिए हम यहाँ पे आपको लोन प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आपको 650 से ज़्यादा अगर सिविल है, तो ये जो यहाँ पे Amazon Pay Later सर्विस को आप यूज कर सकते हैं, और जहाँ पे विदाउट किसी चार्ज के साथ इस कंपनी में पूरे 60,000 का आपको लिमिट मिल सकता है, और जिस पैसे को आप आराम से अगले महीने में उसको रिपेमेंट अपना EMI हिसाब से कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।